इतनी हवा माशाल्लाह, मगर हम चाय होनी चाहिए। हाँ गुम हो गया है। ताहा नहीं मिला कब से, पता नहीं कहाँ गया ताहा। हाँ मिला नहीं मिला ना, अब मैंने नीचे गई थी नहीं था। मूमेंट सी लगा दें, लगा लें अंदाजा कि कितनी हवा। सम इतना प्यारा हो गया, इतना प्यारा। अस्सलाम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो आज मौसम बहुत प्यारा है। सबसे पहले आके जाके छत पे मौसम देखते हैं। आज अभी तलहा ने बताया कि मौसम बहुत प्यारा है, छत पे छत को देखते हैं। गाइस सच्ची में मौसम बहुत प्यारा आ रहा है। अभी ऊपर आई हूँ ना इस्लामाबाद हूँ, तो पिछले व्लॉग में बताया इस्लामाबाद हूँ, लेकिन मैं एक मंथ से इस्लामाबाद हूँ। एक महीना एक माह एक डेढ़ माह हो गया मैं इस्लामाबाद हूँ, और वापसी जब स्कूल कॉलेज खुलेंगे तभी जाएंगे। फ़िलहाल तो गर्मी है ज़्यादा सिंध में, तो इसलिए पंजाब आए हैं। तो काफ़ी दिन खैबर पख्तूनख्वा में भी थे, तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा सर्दी थी वहाँ, तो अभी तो बहुत ज़्यादा सियाह का रेशो भी वहाँ बढ़ता जा रहा है। तो अभी मैं छत पर लेके आई हूँ मौसम दिखाने। मौसम माशाल्लाह बहुत प्यारा है यहाँ तो। यहाँ तो रोज़ ही ऐसा मौसम होता है, क्योंकि मैं आती रहती हूँ ना अक्सर छत पर। इतना प्यारा प्यारा मौसम होता है। अरे वो देखो कितने प्यारे, वो क्या बोलते हैं इनको, पता नहीं कौन से, शायद ये वो हैं ना शायद। मूमेंट सी लगा दें, लगा लें अंदाज़ा कि कितनी हवा चल रही है। इतना प्यारा मतलब मौसम छाए हुए इस्लामाबाद में। बस सर्दियों में मतलब गर्मियों में ना बंदा इस्लामाबाद आ जाए कुछ माँ अपना घर वगैरह ले ले। यहाँ से घर से सारी बिल्डिंग्स वगैरह भी नज़र आ रही हैं। गाइस बस दुआ करें बारिश हो जाए, फिर बहुत ज़्यादा मज़ा हो जाए। करे अल्लाह, करे अल्लाह करे बारिश हो जाए। मौसम तो भी इस तरह वाला, ये बहुत प्यारा है। बस दुआ करें बारिश हो जाए, फिर तो मौजे ही मौजे। ताहा इधर आ, इधर आ, खड़े रहो इधर ही इधर ही। डग्गी भाई कैसे करता है? अम्मा जी हमारे घर में बहुत ज़्यादा डक्की भाई के फ़ैन है। डक्की भाई और जलमी और सौरभ ऋषि बहुत ज़्यादा, सारे यूट्यूबर्स के बच्चे बहुत ज़्यादा फ़ैन हैं। और यहाँ पर जो है, और मेरा ताहा तो इतनी अच्छी एक्टिंग करते हैं डक्की भाई की, कभी तो मैं आपको एक व्लॉग ज़रूर बनाऊँगी अदाकारी और डक्की भाई जो ताहा करता है वो ज़रूर। 5 बज रहे हैं, कोई धूप वूप नहीं है, बिल्कुल आसमान क्लियर है। बस दुआ करें बादल आ जाएँ। फिलहाल बादल का कोई सीन ऑन नहीं है, लेकिन मौसम तो ज़बरदस्त किस्म का आ रहा है। बस दुआ करें बादल आ जाए। कल जहाँ गए थे कल तो बहुत सारा बादल थी, और इतनी यहाँ पर होते रहते अक्सर। यहाँ पर जो मौसम है ना वो ठंडा कब होगा, मतलब आधी रात हो जाएगी ना, फिर आसमान से ही लाइटें आना शुरू हो जाएंगी, फिर बारिश हो जाना शुरू होगी, फिर मज़े आना शुरू हो जाएंगे। गाइस अब जिस एरिया में हम लोग रह रहे हैं ना, ये खनापुल लचरा रोड पर इस्लामाबाद में, वहाँ पर मैं आपको जो साइड वाले जिस घर पर मैं रहती हूँ उसके आसपास में जो लोकेशन में जो घर हैं वो दिखाते हैं। ये घर हैं कुछ, मतलब यहाँ पर वो जो घर है ना, पहले हम लोगों ने वो ले रहा था वो वाला, उसमें मसला था। उसमें क्या था, पानी सही से मतलब उनका कुछ नहीं था, बस कुछ था उनका मसला, तो बाबा ने सॉर्ट आउट करके अब जो यहाँ रह रहे हैं वो दूसरी वाली है। बस आज कोशिश करेंगे, दुआ करें बाबा को बोलेंगे कि आज गाड़ी की चाबी दे दें, और कोई अजान आ रही है गाड़ी की चाबी दे दें, फिर आज चलते हैं हम लोग, थोड़ा ड्राइविंग वाइविंग सीखें, और बाबा को बोलेंगे चाबी दे, लेकिन यहाँ ख़ुद भी चलें क्योंकि लाइसेंस नहीं है हमारा। फिर यहाँ पर इतनी सारी गाड़ियाँ चलान होती हैं, फिर हम भी चलान और हमारी गाड़ी भी चलान। गाइस मौसम इतना प्यारा हो गया, इतना प्यारा, हवा बहुत ज़्यादा हो गई, सारे आसमान पे काले बादल। लेट्स सी वो देखिए कितने ज़्यादा काले बादल हो गए। मैं छत पे आई हूँ अभी, और ये सारी बहुत ज़्यादा मौसम प्यारा हो गया। अभी तूफान वाली सारी कंडीशन इस तरह की जैसे कि तूफान आ रहा है। बस दुआ करें बरसात हो जाए, बरसात हो गई। लेवल वाला जो है मौसम ख़राब हो रहा है, लेवल वाला मौसम हमारा। अभी हल्की हल्की जब बूंदाबांदी हो रही है, लेकिन जब बारिश हो जाए तो बारिश का ना मतलब कुछ होता ही अलग सा माहौल है। जब बारिश होती है तो पानी आता है, अब इस्लामाबाद पानी आता है, जब पानी आता है तो फिर इस्लामाबाद वालों की काम पे टांग है। ये देखिए गाइस, वो देखिए रानी का झंडा उड़ा है, मतलब बेनजीर भुट्टो का। ओहो इतनी हवा माशाल्लाह माशाल्लाह, इतना अच्छा मौसम है। इस वक्त मैं सोच रही हूँ सिंध में पता नहीं क्या हो रहा है। जब मैं सिंध में होती थी तो 7 बजे तक वो सूरज बिल्कुल निकला हुआ था, इतनी ज़्यादा इतनी मतलब गर्मी होती, लेकिन यहाँ पर इस्लामाबाद में फिर भी मौसम जो है ना वो कूल डाउन है। अगर यहाँ का टेम्परेचर बढ़ता भी ना तो वैसी वाली गर्मी नहीं पड़ती जिस तरह की हमारे सिंध के इंटीरियर एरियाज में पड़ती है। इस वाले मौसम में तो एक गर्मा गर्म चाय होनी चाहिए। तो चलते हमारे आसमान पे काले बादल हो गए हैं, बस ये काले बादल नहीं जाने चाहिए, अगर ये होंगे तो बरसात होगी, फिर हमारी हलवाई हो जाएगी बरसात से, वरना फिर अल्लाह हाफिज़ करना पड़ेगा। लेकिन इंशाल्लाह
खूबसूरत सी। गाइस मैं नीचे गई थी अम्मी को पकौड़ों का बोलने, लेकिन ऊपर आई हूँ तो भाई वाले कह रहे कि ताहा घूमो। क्या ताहा नहीं मिला, कब से पता नहीं कहाँ गया ताहा। अभी इसको ढूंढते हैं। हाँ बस अभी उसको ढूंढते, पता नहीं कहाँ जा रहे। मुझे तो लग रहा है आइसक्रीम लेने गया होगा। अक्सर बस छुप छुप के खा रहा होता है बस आइसक्रीम से, मेरे पक्का वहीं गया होगा। चल ढूंढते हैं। ढूंढा वहाँ पर ताला? हाँ चलो नीचे ढूंढा वहाँ पर। गाइस वहाँ पे भी नहीं मिल रहा, अब दुआ कर रहे वो मिल जाए। अगर ये मिला नहीं, इतनी मार खाएगा ना बाबा से, मैं आपको लिख के दे रही हूँ, इतनी मार खाएगा ना फिर ये बिल्कुल सीधा हो जाएगा। कहाँ मिला? नहीं मिला ना, अब मैंने नीचे गई थी नहीं था, और बाबा घूमने भी गए तो ये है ही। अब फिर भी नहीं मिला? नहीं ना, हमने ना वहाँ पे अब गया था जूती लेने ना, बट अभी हम गए और ये अब था ही नहीं। उन्होंने कहा नहीं हमारे पास आया था, अब चला गया। पकौड़ा की दुकान पे गई थी, पर उन्होंने कहा कि नहीं। पकौड़ा की दुकान पे गई थी। गाइस ये मिल गया, ये गुम हो गया था। किधर चले गए थे भाई? तो गुम क्यों हो गए थे? सब बोल रहे थे गुम हो गए, मुझे पता था तुम आइसक्रीम लेने गए होगे। अभी इधर ही बैठा था। अच्छा आइसक्रीम में क्या किया? क्यों, किसी लड़ाई हुई है क्या? दोस्त है ना, दोस्त से किट्टी होगी। फिर वो कब से मुझे मैसेज दे रहा है, मैं उसको रिप्लाई नहीं कर रहा। अरे रिप्लाई करती है गलत बात है, अगर आप कोई मैसेज करे आप उसे रिप्लाई ना करो, पीछे से जाओ भाई ख्याल से। फिर इधर क्यों बैठे हो? ऊपर जाओ, चलो उठो उठो उठो। कुर्बानी का गोश्त अभी बनने जा रहा है और मम्मा अभी देखते हैं कढ़ाई शढ़ाई कुछ बनाएंगे। मम्मा गोश्त आ गया, देखा कितना प्यारा मौसम है। सही सही अल्लाह सो जाओ। इस मौसम देखिए, शदीद वो जो लेवल वाली होती है ना, वो वाला मौसम हो गया ये। तूफान आ गया है। अरे वो देखो हीटर चल रहा है। देखिए वो मट्टी चेक करो, वो कितनी ज्यादा मट्टी हो रही है वहाँ पर, सिर्फ बारिश की वजह से। गाइस हवा पहले भी थी बहुत, थी मौसम बहुत कब से प्यारा है, लेकिन अभी बहुत ठंडी, वो जो एसी वाली हवा आ रही है ना, वो वाली हवा आ रही है। इतनी प्यारी हवा आ रही है, असल में हवा बहुत ज्यादा तेज है, वरना अभी तक बारिश तो हो ही जानी थी, लेकिन हवा इतनी तेज है कि वो बारिश को रोक के खड़ी है। तब देख ये फाइनली बारिश हो रही है, बूंदा बांदी, बल्कि बहुत अभी जो है काफ़ी हद तक बारिश हो रही है। मुझे बिल्कुल लग रही है आप ज़मीन पे देख सकते हो। एक्चुअली मैं ऊपर छत पे आई हुई हूँ ना, तो ये छत है, डेकोरेट नहीं हुई, वैसे भी हमारा अपना ये तो है नहीं, तो मैं हमारे सिंध वाला जो घर हुआ था माशाल्लाह बहुत प्यारा बना हुआ, लेकिन इस्लामाबाद में गाइस फाइनली बारिश हो रही है। ये जो है ना ऊपर जो हमारे छत वाला घर सारा बना हुआ है ना, इस पे जो है मार्बल वगैरह ऊपर की साइड जो है ना टेरिस पे नहीं लगा हुआ। हमारा जो सिंध वाला घर है माशाल्लाह वो तो बहुत प्यारा बना हुआ है, लेकिन यहाँ इतना इसकी टेरिस पे लेकिन घर प्यारा मतलब है, बस एडजस्ट करने वाला है। ये देखिए हवा, बारिश, ये पेड़ साथ में। तो गाइस अभी भी इतनी तेज़ बारिश हो रही है, इतनी तेज़, मेरा सारा मोबाइल सारे कपड़े वगैरह गीले हो रहे हैं, इतनी लेवल वाली बारिश हो रही है, इतनी ठंडी ठंडी हवा अभी तक बारिश हो रही है, और ये पकौड़े वकौड़े सब कुछ खा लिए, इतना मज़ा है। अभी भी बारिश के गाने का नाम ही नहीं है, और मौसम इतना प्यारा है। ये बारिश अभी 11:30 बजे, बारिश अभी तक हो रही है, रुकने का उसका नाम ही नहीं है। तो बस चले अपने ब्लॉग एंड करते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में।